हालांकि इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है इंडियन बियर। तो आगे चल के हम दिखाएंगे आपको पीने के बाद कैसा एहसास होता है। अगर कोई लड़की पीना चाहे तो क्यों, लड़की को नहीं पी सकती, लड़की को लड़कियाँ और अच्छे शौक से पीती हैं क्योंकि इसमें खटास होता है, इसमें चटपटापन होता है। मैडम को बोलो पियेंगी वो? क्यों नहीं, मैडम क्यों नहीं पी लेंगे? मस्त। मैं भी बचपन से पीती आज भी कांची, क्योंकि इसमें जो खट्टा मीठा वो पन होता है ना, वो एकदम ऐसे चूस मतलब मुंह में आता है और अच्छा भी लगता है। मतलब इसको पीने की कोई एज नहीं होती है, कोई भी पी सकता है। मजेदार है भाई, मजेदार है पक्का। मैडम लो आप पियो। नहीं नहीं ठीक है, टेस्ट बढ़िया है। कैसा है, मतलब नमकीन है, मीठा है? आप लेके देखो एक गिलास। कुछ गड़बड़ है क्या, भी आप मना करने जा रहे हो मुझे? हम मुझसे ज्यादा ये मना कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जिसने पियो उसका जीव लगता है स्वाद। कांजी अगर अच्छी लगी तो पीऊंगी, नहीं तो। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग सुभाष नगर में, पहला स्कूल पड़ता है मेट्रो से आते हुए। यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि गर्मियाँ का आ चुकी हैं तो ऐसे में कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम कोक पीते हैं या फिर जूस पीते हैं, लेकिन एक हर्बल चीज़ भी होती है जिसका नाम है कांजी। हालांकि इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है इंडियन बियर। तो आगे चल के हम दिखाएंगे आपको इसका कि प्रोसेस क्या है, कौन इसे बनाता है और पीने के बाद कैसा एहसास होता है। ये नाम रखा हुआ है ना इंडियन बियर, तो पियोगे आप? पी लेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में, कांजी के बारे में? स्पेशल इसी के लिए आए हैं? स्पेशली आए हूँ। कितने समय से पी रहे हैं? काफी टाइम हो गया, बचपन से ही पीते हैं हम तो। अच्छा, तो बचपन से लेकर अभी तक ये सॉरी कांजी पीने का क्या असर रहा है शरीर पे? काफी इफेक्टिव है ये, क्योंकि इसमें चकुंदर वगैरह का जो रस वगैरह निकलता है वो ब्लड सेल्स वगैरह क्लियर कर देता है, प्योरीफाई वगैरह जो भी हमारे हीमोग्लोबिन कम है, एच भी कम होता है, तो काफी इफेक्टिव होता है। अभी इतनी देर से देख रहे हैं कांजी बनाने का ऑर्डर नहीं बल्कि धमका रहे हैं। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं कांजी? ए, उतावले नहीं, मैं कहा बना भाई जाए, हम छोड़ने आना भाभी को घर पे, तभी लेट हो रहे हैं। अच्छा लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हैं, वो पर्पस था, मुझे लगा कांजी पीने। अभी कोई चक्कर नहीं है, तेरा भाई फुल फ्रैंक का सबसे, मौज लो, एक जिंदगी है, क्या करें। अच्छा, तो कांजी के बारे में थोड़ा मस्त सा कुछ बोलिए। मैं तो पहली बार पीने आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा था कार पे, तो यहाँ का वीडियो बन दे भाई, लग रहा है मशहूर होएगी। अच्छा, अच्छा। पी के चेक करते एक बारी। तो मतलब आपका रिव्यू नया होने वाला है, मतलब पहले से वो नहीं है। चलो पी के दिखाओ कैसा है, आओ आओ पियेंगे आप, होटल लोगे? हाँ, और क्या, पी के स्वाद बताना कैसा। मैडम फुल फ्रैंक हो रही है भाई मेरे से, तो इन्हें दो सबसे पहले सही है भाई, मगर मिर्च बड़ी लग रही है, मीठा खाता हूँ ज्यादातर। एक्सप्रेशन इतने चेंज से क्यों हो गए? मिर्च लग रही तो चेंज नहीं होंगे क्या? बाकी बातचीत करते हैं। लाल मिर्ची है और काली मिर्ची है, ये मसाले के लिए, सिर्फ एक स्वाद थोड़ा बढ़ाने के लिए, और बाकी उसमें ऑलरेडी मसाले हैं जो इसका स्वाद खुद ही बढ़ाते हैं। चलिए, अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग अरविंद की मशहूर इंडियन बियर। तो अरविंद जी, वैसे कितने टाइम से आप यहाँ पे ये लगा रहे हैं? जी मेरे यहाँ पे फादर हैं जिनको करीब 40 ईयर। अच्छा, पापा की जगह पर अब आप लगा? नहीं नहीं, मैं नहीं लगाता, वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए पापा चले गए, बाकी वही खड़े होते हैं यहाँ पे। इसमें अभी विज्ञापन जैसे दे रखा है आपने कि इसमें काली गाजर और लाल गाजर इस्तेमाल होती है, नहीं, काली, लेकिन काली गाजर ओनली, काली ब्लैक कैरेट यूज होती है, लेकिन नाम इसका आपने इंडियन बियर क्यों रखा है? वो तो बियर टाइप ही होती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये 7-8 दिन में वैसी तैयार होती है। प्रोसेस मतलब की बियर टाइप होता है? प्रोसेस यूँ होता है की इसका, एक तो 7-8 दिन में तैयार होती है, और ऊपर से ये हाजमे के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, इससे ब्लड भी साफ होता है, इसके मतलब फायदे बहुत हैं, और नेचुरल चीज है, कोई केमिकल नहीं। तो ये बनके कैसे तैयार होता है? बनके तैयार ऐसे होती है कि जैसे गाजर के स्लाइसेस होते हैं, पीस काट के डाले जाते हैं पानी के अंदर, और उसमें मिर्च मसाले डाले जाते हैं जो भी, उसके बाद ये हफ्ते में 8 दिन में तैयार हो जाती है। तो मतलब ये 7-8 दिन में कितना वैसे तैयार कर लेते हैं हम? नहीं, कम से कम नाना करते तो 300-400 लीटर तैयार है। एक दिन में कितने बिक्री हो जाते? 60-70 लीटर बिक जाता आराम से। इसका प्राइस क्या होता है? 20-10। अच्छा, तो ये मटके में क्यों रखते हैं, ठंडे रहने के लिए? अब उस टाइम पे तो ठंडा रहता है, तो मटके की तो एक शो भी होती है ना थोड़ी सी, और बोतलें सारी सेल के लिए होती हैं। अभी आपके सामने ये बोतलें जितनी सेल हुई हैं, ये सिर्फ एक, ये लोगों का पर्पस क्या है कि यहाँ कोई नहीं आ पाता तो घर पे ले जाने के लिए, कि घर पे ले जाके एक गिलास, मतलब एक गिलास दो गिलास पीने के लिए, वो अपने उसके लिए ले जाते हैं। आपके मतलब ये स्टॉल के ठीक सामने ये स्कूल है ना, स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, खासकर लड़के पढ़ते हैं, तो क्या मतलब वो बियर वियर देख के कुछ विज्ञापन आते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो दीदी, वो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे, मैंने कहा वो कुछ भी नहीं वो जानते, मैं कह रहा हूँ
जो जानते हैं उनके बच्चे नहीं जानते, क्योंकि ये जो जानते हैं सारे पुराने ही लोग जानते हैं, नया कोई नहीं जानता। मतलब ऐसे एक ही जगह पे यहीं पे लगता है आपका? यहीं है, परमानेंट यहीं है। सर एड्रेस बताइए। ये तो सुभाष नगर मोड़ है, जंगले पे। और ये सरकारी स्कूल के ठीक सामने? हाँ, ये ना अपना सर्वोदय बाल विद्यालय अशोक नगर, हॉकी स्टेडियम स्कूल। तो वैसे बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी, मेरे पास तो बहुत इसके कस्टमर बहुत हैं। मतलब मेरे पास तो जैसे हरियाणा से भी गया, चंडीगढ़ से भी गया, या फिर अपने जो पार्टी वेयर गया, काफी ऑर्डर है मेरे पास इसके। मतलब काफी अच्छा, कांजी कहेंगे ना, काफी कांजी है। हाँ, काफी अच्छी चलती है, पीने में ठंडी होती है और सेहत के लिए अच्छी होती है। तो जैसे अगर कोई लड़की पीना चाहे तो? क्यों, लड़की क्यों नहीं पी सकती? लड़की कोई बेकार थोड़ी है लड़कियाँ। लड़कियाँ और अच्छे शौक से पीती हैं, क्योंकि इसमें खटास होता है, इसमें चटपटापन होता है, और पीते हैं। क्या गोलगप्पे के पानी जैसे? हाँ, ऐसी समझ लो। आई है कोई लड़की अभी तक? कोई आया है? दिन भर में पता नहीं कितने आते हैं। अच्छा, अभी सर, अभी आप कार से उतरे, कहाँ से आए सर आप? हम नागलोई से आए। नागलोई से आए? नागलोई तो काफी दूर है। देखिए, इनकी इतनी जबरदस्त स्वाद होता है कि खींचे खींचे चले आते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, खींचे खींचे चले आते? केमिकल्स युक्त कुछ नहीं है, सब कुछ नेचुरल है, हाजमे के लिए बेहतरीन है और मज़े में बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से बनाते हैं, साफ सुथरा ही है इनके हाथ में, तो हम स्पेशली यहाँ पीने आते हैं। पीने आते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, नागलोई से यहाँ तक के बीच में ट्रैफिक तो बहुत मिला होगा, आपने बोला खींचे खींचे आ जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है? अब इनकी जो कांजी है, मैं खींच के ले आती है, तो इनपे एक क्या डाल रहे हैं, इसमें एक मोहब्बत डाल रहे हैं, कोई काला जादू का रखा है जो यहाँ तक खींच कर ला रहे हैं हम यहाँ पे। और लोग इस तरह की चीज़ें पसंद करनी चाहिए, ये केमिकल युक्त चीज़ें नहीं है। हम लोग कैंपा और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों में केमिकल हैं, हम उनको पीते हैं। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है और कुदरती चीज़ों से बना हुआ है, कोई मिलावट नहीं है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए कि गैस कब्ज बदहजमी सब चीज़ सही कर देता, दुरुस्त कर देता है लोग। तो इसीलिए हम लोग इतनी दूर से इन्हें पीने आए। और हमारे साथ हमारे काउंसलर साहब भी हैं, सतबीर सिंह, ये भी स्पेशल यहाँ पीने आते हैं। सर क्या कहेंगे टेस्ट के बारे में? टेस्ट तो बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा, वैसे नॉर्मली और भी जूस होते हैं, जैसे कि हम लोग मौसम्बी का, आम का, ये सब जूस पीते हैं, तो उनसे ज्यादा बेहतर होता है या फिर क्या होता है? उनसे ज्यादा बेहतर होता है। और कहीं भी देखते हैं, यहीं पे मिलता है? ये यहीं मिलता है। सर आप कहाँ से? वैसे मैं इधर से लोकल हूँ। नहीं, लोकल से? हाँ जी बिल्कुल। ये पीने के लिए आए? एक बोतल लेने। बोतल ही लेने के लिए आए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो पूरा बोतल लेते? क्या घर में भी बांटते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी पीते हैं। थोड़ा सा फायदा बताएंगे क्या होता है इससे? मैम बेनिफिट है, वैसे कांजी या गार्लिक ब्लैक गाजर जो होती है, कैरेट बेनिफिट, ये मल्टीपल बेनिफिट है इसके। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के मसाले हैं, जैसे जो आपके पेट को डाइजेस्ट करने के लिए, या गर्मियों में ये आपके पेट को ठंडा रखता है, जिनको ये उस वजह से बनाई जाती है, गर्मियों में स्पेशली इसीलिए पी जाती है। इसका नाम इन्होंने दिया हुआ है, ये ठंडी बियर नाम से वैसे तो प्रसिद्ध है, तो क्या लगता है इसके अंदर बियर की भी थोड़ी बहुत मिलावट? नहीं नहीं, यहाँ पे टोटली इसमें इंडियन सॉल्ट और इंडियन चीज़ें, देसी चीज़ें मिली होती हैं, जिसमें देसी मसाले हैं, गाजर है और पानी है, इसमें राई, नमक, काली मिर्च वगैरह, ये जो उनके मसाले जो मिक्स होते हैं देसी, वो मिलाए होते हैं इसके लिए। तो ये कांजे है, ठीक है, अब इसको पीकर और ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि पब्लिक का रिव्यू लेना और उनका थोड़ा टेस्ट और स्वाद अलग हो जाता है, लेकिन मैं पी के बताती हूँ कि ये कैसा है। टेस्ट में अच्छा है ये, लेकिन वैसे तीखा है और थोड़ा सा ना कड़वा भी लग रहा है, ये दवाई की तरह कह सकते हैं इसको। तो चलिए अभी के लिए और आज के लिए इतना ही, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप भी जानते हैं कांजी के बारे में या नहीं वो भी बताइएगा, और साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।